उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। मोहन यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग लगातार शिक्षा के सुधार के लिए काम कर रहा है। शिक्षा विभाग जल्द ही 1000 भर्ती करने जा रहा है। सारे विद्यार्थियों को एडमिशन मिल जाए, सरकार इसका प्रयास कर रही है। 517 महाविद्यालयों में से 200 महाविद्यालयों का सर्वे सुविधा युक्त किया जाएगा। 42 प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने हो गई है और 42 में से कई यूनिवर्सिटियां ऐसी है जो इंदौर की है, दो भोपाल की भी है, जिन्होंने अब अपने लिए पूरे देश की यूनिवर्सिटियों में जगह बनाई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी यूनिवर्सिटियों में भी वो माहौल बने। माननीय महामहिम भी इस दिशा में लगातार प्रेरित करती रहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आग्रह रहता है और हम प्रयास करेंगे। तो मैंने पहले भी कहा था, दोबारा फिर बोलने जा रहा हूँ, अतिथि विद्वान 4276 की संख्या में है। इसमें 2500 अतिथि विद्वान हमारे सेल्फ फाइनेंस के, जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय उनका वेतन देता है। लगभग 1800 के आसपास अतिथि विद्वान हमारे अपने उच्च शिक्षा के हैं। उसमें से 10 सितंबर के दिन तक हमने लगभग 800 से ज़्यादा अतिथि विद्वानों को सेवा में लिया था, अर्थात 800 ये मिला लें, 2500 वो मिला लें, तो लगभग हमने अपने एक तरह से 80% के आसपास अपने अतिथि विद्वानों को सेवा में लिया है। अभी जो मैंने आपको